संसद की बात करें तो लोकसभा में दिल्ली संशोधन बिल वो पेश हो गया है। अमित शाह ने दिल्ली संशोधन बिल पेश किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली संशोधन बिल को पेश किया है, बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं। जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपकंड की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेपी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6, जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री अनिल अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। तो बता दें आपको बड़ी खबर, दिल्ली संशोधन बिल पेश हो गया है, लेकिन विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। ये बिल संविधान के खिलाफ है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही। ग्रेवियार्ड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सर ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में चार बिंदु पे बात करना चाहते हैं। ये संविधान तो की जब एक मिनट का पॉइंट पे सर, पॉइंट पे आप तो ये संविधान की स्थापना अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के। और चलिए मेरे सहयोगी प्रशांत देव सीधा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत देव, दिल्ली संशोधन बिल फाइनली लोकसभा में पेश हो गया है, और लोकसभा में ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए कोई पसोपेश या मुश्किल की स्थिति है नहीं, लेकिन राज्यसभा का गणित अब क्या कह रहा है जब बीजेडी इसके समर्थन में एनडीए के साथ आ गई है। देखिए,
देखिए बीजू जनता दल के समर्थन में आने से, उसका समर्थन करने से पल्ला भारी बीजेपी का हो जाता है और विपक्ष को एक तरीके से थोड़ा इस पे परेशानी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये इस बिल के बहाने राज्यसभा में सरकार को घेरने की कोशिश की रणनीति बना रहा था कि राज्यसभा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे थे कि राज्यसभा में हम इसको हराएंगे, राज्यसभा में हार का मुंह देखना पड़ेगा सरकार को। लेकिन जैसा सबको पता है कि राज्यसभा में अब तक जितने भी बिल पूरे नंबर न होने के बावजूद भी सरकार का कोई बिल राज्यसभा में रुका नहीं, लोकसभा में तो इनके पास बहुमत है ही, ठीक ठाक पूरा बहुमत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने बैक किया, सपोर्ट किया, इससे समझा जा सकता है। अधीर रंजन चौधरी मतलब कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी जिस पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही थी इस बिल्कुल सहयोग को लेकर, कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा दिक्कत है कि कांग्रेस सहयोग करेगी कि नहीं करेगी, अब कर रही है। तो अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से बेबाकी से बोल रहे हैं तो उससे ये समझा जा सकता है कि तमाम विपक्ष इस पर एकजुट होगा, और जिस तरीके से मणिपुर पर सरकार को घेरा है इस बिल पर भी सरकार को सुबह शाम घेरने की रणनीति बनेगी। और चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है, दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकारों का हनन है, इस तरह के आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, खासकर आम आदमी पार्टी लगा रही है। दूसरी तरफ उसी संविधान का हवाला देते हुए गृहमंत्री ने सदन को बताया कि संविधान ने सदन को ये ताकत दी है कि संघराज क्षेत्र में अगर कोई कानून बनाने की जरूरत हो, शक्तियां बढ़ाने की जरूरत हो तो उसको पूरा संविधान ने सदन को यह अधिकार दिया है, ये सत्ता दी है जिसके तहत अध्यादेश को बिल में तब्दील करने के लिए। ठीक है, तो एक तरफ मणिपुर का मुद्दा है और दूसरी तरफ अधिकारों की लड़ाई जो संसद अब जा पहुंची है, दिल्ली संशोधन बिल पेश किया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत देव तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक छोटा सा